हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है, ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। कहते हैं सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते। जी हाँ, लोग इसे प्रधानमंत्री का खौफ कह रहे हैं। तो वहीं इमरान खान को अलग अलग दूसरे देशों से मिल रहे सबक के बाद इमरान खान ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि पाकिस्तान की हालत वैसे ही दिवालिया चल रही है, जिसके चलते उसे हर देश के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर होना भी पड़ा है। ऐसे में भारत से मिल रही सभी सुविधाओं के रोके जाने पर अब पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करते हुए भी देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर 360 भारतीय कैदी को रिहा करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान की जेल में बंद रहे ये कैदी अपनी सजा काट चुके हैं। इन भारतीय कैदियों को अगले सोमवार से रिहा किया जाएगा। और पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय कैदी सजा काट रहे हैं और इनमें से कुल 483 मछुआरे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी प्रवक्ता फैसल ने कहा कि अगले मंगलवार को 100 भारतीय मछुआरों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद भारतीय मछुआरे के दूसरे बैच को 15 अप्रैल को छोड़ा जाएगा। ठीक इसी तरह फिर 22 अप्रैल को 100 मछुआरों को रिहा किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि 5 मछुआरों समेत 60 भारतीय नागरिकों के आखिरी बैच को 29 अप्रैल को छोड़ा जाएगा। उनका कहना ये भी है कि भारतीय जेलों में 347 पाकिस्तानी कैदी बंद है, जिनमें से 98 पाकिस्तानी मछुआरे हैं। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि अब भारत भी पाकिस्तान के कैदियों को सौहार्द के आधार पर रिहा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों को सौहार्द के आधार पर रिहा करने का फैसला उस समय लिया जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत द्वारा करतारपुर कॉरिडोर को लेकर होने वाली बैठक को टालने पर खेद भी जताया है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह की बैठकों में भारत और पाकिस्तान शांति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत के हवाई क्षेत्र में बम गिराए थे। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। और इस हवाई भिड़ंत के दौरान भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसको उड़ा रहे भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जा पहुंचे थे। हालांकि भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि लोकसभा चुनाव आने से पहले पाकिस्तान भारत को और किस किस लुभावने सपने दिखाकर आकर्षित करेगा। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।